हेलो, आज हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी क्लास ओवर हो चुकी है और आप सब लोगों ने बढ़िया से रिवाइज कर लिया होगा। आइए आज क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस में सबसे पहले ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस करते हैं आज वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू ए स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। यहाँ पे जो दो फोर्स है, दो चार्जेज है, एक चार्ज है, दो स्फीयर है, टू स्मॉल स्फीयर, इनके पहला और दूसरा नाम ले सकते हैं। एक स्फीयर है जिस पे चार्ज है कितना, q1 पे चार्ज है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb। दूसरा स्फीयर पे चार्ज है कितना, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30/100 मीटर, दैट इज 0.3 मीटर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज इज गिवन बाय 1/4πε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको वैल्यू रखते हैं 2 × 10⁻¹, एक बात आपको पता होगा कि 1/4πε₀ की टोटल वैल्यू जो होती है कैलकुलेट करके वो होती है कितनी, तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसके बदले डायरेक्ट हम यहाँ पे 9 × 10⁹ लिख देते हैं। Q1 जो है वो है 2 × 10⁻⁷, Q2 जो है वो 3 × 10⁻⁷ एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 3 × 10⁻², भी इसको लिखा जा सकता है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। इसको आप चाहें तो 3 × 10⁻²² लिख सकते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो गया, 6 × 10⁻¹। यहां से आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 0.3 को 3 × 10⁻¹ और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 से ये 9 कट जाएगा, 2 × 3 = 6 एंड 10⁻¹, यहाँ पे मिला 9 और -14, राइट, -7 -7 -14 और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो इतना न्यूटन होगा, है ना। सो ये पूरा का पूरा जो फोर्स है वो इतना होगा। इसका मतलब हुआ कि 6 × 10⁻¹⁹ एंड 11 -14 -3, इतना न्यूटन का फोर्स होगा जो इस दोनों के बीच में काम करेगा। तो दो चार्जेज के बीच में ये फोर्स लगेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन और क्या दिया हुआ है, पहला चार्ज दिया हुआ है Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। Q2 जो दिया है वो दिया है कितना, तो -0.8 माइक्रो कूलम, और 0.8 माइक्रो कूलम को लिख सकते हैं 0.8 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, पार्ट ए है, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के साथ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, तो ये दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी नो द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इसमें 1/4πε₀ की वैल्यू इससे हम लिख सकते हैं 0.2 न्यूटन
और ये हो गया 9 इंटू 10 टू दावर 9। Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 टू दावर माइनस 6। Q2 की वैल्यू है मैग्नीट्यूड 0.8 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का पता नहीं, तो हमें आर स्क्वायर निकालनी है। सो व्हाट टू डू, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 9, चाहे ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं दो बार में, ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा पूरे के पूरे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 18, 18 इंटू 8 इज 144, दैट इज 14.4, तो ये हो गया 14.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, जरा ये कैलकुलेट करें, 9 और माइनस 12 तो माइनस 3 हो गया, इतना हो गया आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इतना होने से क्या होगा, अब आर निकालना है, हमें तो निकालना है आर। सो अंडर रूट होगा दूसरी तरफ जा करके, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो इसको लिख सकते हैं 144 या 1.44 लिखें अगर, तो 1.44 का मतलब क्या हुआ कि हमने 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, है ना। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इज 1.44 का स्क्वायर रूट 1.2 और 10 टू द पावर माइनस 2 का 10 टू द पावर माइनस 1। इसका मतलब हुआ कि 10 से और डिवाइड करेंगे तो 0.12 मीटर हो गया, दैट इज 12 सेंटीमीटर आंसर, मीटर फॉर्म में ये सेंटीमीटर ये हुआ। अब इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है कि दूसरा जो है वो कितना फोर्स लगाता होगा, तो चूंकि कूलम्स लॉ के हिसाब से दोनों फोर्स अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, और एक जो चार्ज है वो दूसरे पे जितना फोर्स लगाता है दूसरा चार्ज उतना ही पहले पे लगाता है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है ना, अल्दो दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर एंड देयर फोर दूसरा जो पहले पे फोर्स लगा रहा होगा वो भी कितना लगा रहा होगा, 0.2 न्यूटन, सेम फोर्स लग रहा होगा, दोनों फोर्स बराबर है, इसलिए दूसरे पे पहला जो लगाए या पहले पे दूसरा लगाए दोनों ही फोर्स क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि दूसरा पहले पे या पहला दूसरे पे दोनों ही बराबर फोर्स लगाएंगे, और इसलिए आंसर हो गया 0.2 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और क्वेश्चन है कि चेक द रेशियो के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। इसमें जो ई है वो है इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज है। जी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, होती है कूलम, यूनिट इज कूलम, इट्स यूनिट इज कूलम, सो इट्स यूनिट इज कूलम। जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसका चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.66 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.66 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरह से जी जो है, जी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। सो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी। एम ई स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, राइट। और ये एमपी स्टैंड फॉर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। यूनिट ये मास है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी केजी, यूनिट केजी होगी,
ये भी मास है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, एच। ये सब वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में तो क्या मिलेगा, है ना, के जो है वो कांस्टेंट है, ये भी है, एक छूट गया था, ये है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट। तो ये सारी यूनिट को अगर हम इस एक्सप्रेशन में रखें जो के ई स्क्वायर है, नाउ द गिवन एक्सप्रेशन इज, द गिवन एक्सप्रेशन दैट इज रेशियो इज के ई स्क्वायर अपॉन व्हाट वाज दैट, ये क्या था, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, इसकी यूनिट सब की रखते हैं। तो अगर यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है तो ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, इसकी यूनिट हमने लिखा है यहाँ पे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये हो गया केजी इंटू केजी, ये केजी 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 स्क्वायर से केजी स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट जाएगा और के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, ये एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये रेशियो जो है एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये कांस्टेंट क्या है, चार्ज ये है 1/4 pi epsilon naught e into e, यानी ये है क्या कोलंबियन फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन, दोनों में आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो ये है दोनों का रेशियो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे m1 m2 की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन है और डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, q1 q2 की जगह पर क्या है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस रेशियो को हम कहेंगे कि ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, सो द रेशियो रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन रेशियो this constant represent or there is constant this constant represent the ratio of electrostatic force force to the gravitational force to the gravitational force between what between proton and neutron because charges are same, proton and electron दोनों के मास नीचे लिखे हैं और ये रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को ये क्या करता है, फिक्स रखता है, which keeps both of them at fixed distance. अब इसके कैलकुलेट अगर करना चाहे तो क्या होगा, सबकी वैल्यू रखनी होगी इस रेशियो का, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का 1.66 × 10⁻⁷ × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट, तो ये हो गया 67 × 10⁻⁹ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 6 × 67 × 10⁻⁻¹ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 × 10⁻³¹ एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 × 10⁻²¹, इन सबको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से 1.67 × 10⁻³¹ 10⁻³⁸
प्लस 9 इज माइनस 29, यहां से आ गया माइनस 29, नीचे आ गया 6.67, 6.67, 6.67 into 9.1 into 1.66 multiply by 10 to the power, ये सारे power जो हैं क्या हो जाएंगे plus, ये ऊपर जाके plus होंगे, यहाँ पे 27 plus 31 is 7 plus 1 819 and 32516, so 516 69 32516 69 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे कर देते हैं तो ये अब लिखने की जरूरत नहीं, राइट। सो ऑल दिस हैपन लाइक यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये डेसिमल के बाद दो प्लेस है, ये भी दो प्लेस है, कैंसिल, डेसिमल के बाद यहाँ चार प्लेस है, दो प्लेस है, ये भी दो प्लेस है, तो ये भी कैंसिल हो गया, डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस है, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 into 167 into 10 to the power, एक 10 से और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 30 से एक और मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 31, 69 माइनस 29 इज 40 और एक हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके 41, तो दैट विल बी 41 डिवाइडेड बाय 6.667 इनटू 91 इनटू 166, इसको आप कैंसिल, लगभग ये पूरा है कैंसिल हो जाएगा, 91 या 90 ये भी लगभग कैंसिल हो जाएगा का आइडिया, ठीक है ना, और ये बच गया 167 और 667, अगर एक जीरो इसमें और दो जीरो ले लें तो ये 6 2 12 66 23 टाइम्स 2.6 2 12 और फिर बचेगा 4 के हिसाब से ही आ जाएगा 6 4 24 2.3 के अप्रोक्स बचेगा ये पूरा का पूरा और 10 to the power 39 ये हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये होगा एक कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये एक आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि व्हाई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ऐसा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, व्हाई दिस इज सेड, बिकॉज़ चार्जेस वी फाउंड फ्रॉम विल्किंस आइलैंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दैट चार्जेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ईदर इन टर्म्स ऑफ 1.66 into 10 to the power minus 19 कूलम और ये मल्टीप्लाई हो करके ये 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, एक रफली आइडिया लिख देते हैं ऐसे, या 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम और 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम और लाइक दिस, इस तरह से, या 8.0 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ऐसा देखा गया कि चार्ज जो है इसके ही मल्टीपल में ट्रांसफर हो रहा है, इसके चार्ज को हम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिए, तो ये कितना हो गया कि इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, यहाँ दुगना चार्ज हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से देखा गया कि ये जो चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, वो वन के मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टू के मल्टीपल, थ्री फोर फाइव, ऐसे मल्टीपल ऑफ, इसका मतलब है कि वन टू थ्री फोर फाइव क्या है, ये है इंटीजर। तो इस तरह से कहा गया कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, इट मींस द बॉडी हैज चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल ओनली एंड देयरफॉर वी कैन से द बॉडी हैज चार्ज, टोटल चार्ज इज इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज सेड दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड and total charge in the body is must be an integral multiple of charge on each electron. This is the total charge and here E is the charge on each electron and N is the number of electrons, right, and E is charge on each electron. तो इस तरह से कहा गया कि चार्ज जो बॉडी के अंदर होता है
आधा इलेक्ट्रॉन और एक डेढ़ इलेक्ट्रॉन और सवा दो इलेक्ट्रॉन और पौने चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, चार जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं हमेशा हाफ इलेक्ट्रॉन, थ्री फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर, ओनली ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर चार्ज इज क्वांटाइज्ड. नाउ द अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाई और वन कैन ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic level, that is large scale level. On large scale level, the charge is huge as compared to the charge on electrons, and therefore while discussing on larger scale, that is microscopic level, we can ignore this small amount of charge as compared to the charge on the body. So that is why this is not making any sense, and hence we ignore it. Here is a question number 5. When a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges. When a glass rod is rubbed with silk cloth, initially both of them are insulators. Any two insulated body rubbed with each other, then what is happen that the electrons present in outermost orbit, they are entangled with each other, and when they are separated suddenly from each other, then some electrons of those who are loosely bound, who has loosely bonded electrons, they can be transferred to the other substance. This substance ke bahari outermost orbit mein loosely bonded electrons hote hain. Remember this word, loosely bonded electrons hote hain. Unko aapas mein rub karne par outermost orbit ke jo electrons hain wo aapas mein ek dusre se entangle ho jate hain, aur jab unko hum separate karte hain to ek substance jisme zyada loosely bonded electron hai as compared to the other, they can be transferred or detached from the substance and transferred to the other substance. तो इसी तरह से ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को जब रब किया जाता है तो ग्लास रड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं. नतीजा ये होता है कि ग्लास रॉड में पहले से क्योंकि नंबर ऑफ इंसुलेटर था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम थे, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफर हो गए और चले गए दूसरे सब्सटेंस में, तो क्या हुआ कि ग्लास रड जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ईच प्रोटॉन हैज वन पॉजिटिव चार्ज, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, हेंस सिल्क ग्लास रड बिकम पॉजिटिवली चार्ज. अपोजिट टू दैट सिल्क क्लॉथ हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अर्लियर, बट नाउ सम मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रड इज received by the silk cloth, therefore number of electrons are more as compared to the number of protons. It means number of negative charges is more as compared to the number of positive charges, and therefore silk cloth become negatively charged. Since charge transfer, there is no loss of charges in between, and therefore whatever they have lost, the same received by the silk cloth, and therefore both of them are equal in magnitude but opposite in sign. One of them is equally positive charge, other has equally negative charge, and therefore total charge remains conserved. Total charge neither created here nor destroyed, but just transfer from one substance to another substance. Therefore we can say their charge is conserved while transfer in some other pairs as well. Now let us discuss the next question. And question is here, another question, that is question number 6, and question is here that see this question. 4 point charges QA, charge at A is 2 microcoulomb, charge at B is minus 5 microcoulomb, charge at C is 2 microcoulomb, charge at D is minus 5 microcoulomb, are located at the corner of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on charge on 1 microcoulomb placed at the center of a square? To answer this question, one can say like this.
to solve this question, one can make a square. And here is a square. See, this is ABCD is a square. A, B, C, D. Here, the charge on A is charge on A is 2 microcoulomb, that is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Charge on B is 5 microcoulomb, that is 5 minus 5. Charge on B is minus 5 into 10 to the power minus 6 coulomb. Charge on C is also 2 microcoulomb, that is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Charge on C. And charge on D is also like 5 minus 5 into 10 to the power minus 6 coulomb. So you can observe that there are two positive charges and two negative charges are there. Diagonally, there are two positive charges and two negative charges. The square of side is 10 centimeters. So that is 10, 10, 10, and this is also 10. If I can write here that what is the force of charge on 1 microcoulomb placed at the center? Center kahan hoga iska? Center wo point hota hai jahan diagonal intersect karte hain. To agar yahan par kisi ne 1 microcoulomb ka charge rakh diya hai, that is 1 into 10 to the power minus 6 coulomb ka charge, ye maan lete hain ki O, aur yahan pe ye charge rakha hua. To A ki wajah se yahan jo force lagega, force experience due to O due to A is equal to what? यहाँ के charge को हम simply Q से represent करें, तो क्या हो जाएगा? K Q Q A upon इसके बीच का distance. इसके बीच का distance कितना होगा? अब ये 10 है, तो diagonal क्या हो जाएगा? 10 root 2. Diagonal AC is equal to 10 root 2. Diagonal AC is equal to क्या हो जाएगा? 10 root 2. तो इसलिए AO OC AO OC ना AO OC OB OD सब क्या होगा? 5 root 2 होगा. तो distance सारे बराबर है. इन distance को हम मान लेते हैं R. ठीक है, R distance from सबके distance बराबर है, इसलिए हम R मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा R square. अच्छा, ये जो है ये positive charge है और यहाँ पे ये भी positive charge है, तो दोनों में repulsion होगा. तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये ज्यादा ताकतवर है इसके मुकाबले, तो ये इसको इधर की ओर धक्का देगा. यानी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो किधर की ओर होगी? ए से ओ की तरफ होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए ओ, है ना. फिर फोर्स एक्सपीरियंस एट ओ ड्यू टू सी इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस एट ओ ड्यू टू सी इज इक्वल टू के क्यू क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर. आर तो सेम है, और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये भी ये वन के मुकाबले 2 माइक्रोकूलम ज्यादा है, तो ये फोर्स इधर की ओर इसको धक्का देगा. अपोजिट है, सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, तो इसलिए इसको धक्का देगा. तो ये हो जाएगा अलोंग ओ ए, ओ ए है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. इसको अगर डायरेक्शन माइनस लिखे तो हम लिख सकते हैं माइनस क्यू क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर टूवर्ड्स ए ओ. बोलिए, यानी ये दोनों चूंकि क्यू ए और क्यू सी दोनों बराबर है, आर भी बराबर है, के भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, इसलिए सिर्फ साइन उल्टा है. तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ओ ए, ये हो गया माइनस ऑफ एफ ऑफ ओ ए. तो माइनस ऑफ एफ ऑफ ओ ए हो गया, ठीक है. इसलिए दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, अर्थात कह सकते हैं कि एफ ओ सी प्लस फोर्स एक्सपीरियंस एट O due to A, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? जीरो. एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? जीरो. इसी तरह से फोर्स एक्सपीरियंस, ये दोनों चार्ज भी बराबर है, ध्यान से देखें, ये चार्ज भी माइनस फाइव माइक्रोकूलम्ब है, ये भी माइनस फाइव माइक्रोकूलम्ब है. इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, ये इसको जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको इधर की ओर, और ये अट्रैक्ट करेगा इसको इधर की ओर. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ये भी होंगे, इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू एट ओ ड्यू टू बी एंड फोर्स एक्सपीरियंस एट ओ ड्यू टू
डी, दीज आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे विल बी ऑल्सो कैंसिल. सो ओ पे पूरा का जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एट ए एट ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब फोर्स का सम होगा और सब क्या है पेयर वाइज जीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा जीरो. ये आंसर होगा इस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन है हमारा कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट. We can understand with this by this example. See, if there is a positive charge Q, something positive charge with some big amount, and some small amount charge, test charge, say for a small amount is Q here. Both due to Coulomb's law, there is a force of repulsion if they are similar charges, and similar charges, so it will repel. This will push this charge away from it because of the repulsive forces, and that wise this will move slightly ahead of this, and this is moving continuously. So the line is drawn by traced by this charge is a continuous, it cannot break, charge cannot jump from this, like charge moves continuously. So any charge, if there is a Q or a charge body, and if there is a small test charge anywhere placed, so that will, when it is placed here, so that will move here, here slightly, and therefore trace the path traced by this charge body will be continuous, it will not like a jump, and therefore electrostatic field line is a continuous curve. It may be direct, it may be in this direction, it may be due to presence of some others can change their path as well, because of the resultant of two forces it can have. If it is not a state, there may be some positions in electric field. So here this must be a continuous trace, path traced by them is a continuous curve, and that is not a sudden break, because it cannot jump from one place to another place, right? Here the second part of this question, explain why the two field lines never intersect each other. Suppose the two lines intersect each other, two this is a field lines and one line is this and two line is this, it cross at point A. Then here electric field intensity has two direction at this point, which is not possible, because at field, in electrostatic field, at every point there is a specific one direction, and when two field lines intersect each other, there could be two direction of electrostatic field intensity, and therefore it is not possible, right? Next question. And this question is, two point charges QA 3 microcoulomb, QB is minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint of O of the line AB joining the two charges? And the second part is, if the negative test charge of magnitude this is placed at the point, what is the force experienced by the test charge? So there is a two part of this question, and we can consider them one by one. So here A is part A. There is a QA charge at 3 microcoulomb. 3 microcoulomb, that is 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. Charge at B, these are negative charge, that is minus 3 microcoulomb. So 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. The distance R between them is 20 centimeter, that is 220 into 10 to the power minus 2 meter. I can write here like this. Okay. Now one charge is here, another charge is there, QB. These are point A and B. Charges are 3 microcoulomb, and here is also 3 microcoulomb. The distance between them is 20 centimeter. So what is the electrostatic field at midpoint O? O is midpoint. So obviously, because distance is 20, so this distance must be also 10 centimeter, and this distance also must be 10 centimeter, right? So distance field it at O is 10 centimeter. It means 10 into 10 to the power minus 2, that is AO and OB, that is this meter, okay, half of this. So one can write force experience
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए इज गिवन बाय E1, E1 मान लेते हैं इसको, E1 इज इक्वल टू व्हाट, E1 इज इक्वल टू क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इधर से इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड क्या होगी, बाहर होगी, अलोंग OB, O से B की तरफ जाएगा, अलोंग OB, OB हो जाएगा, है ना डायरेक्शन। अब जो दूसरा चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज एट बी इज E2, E2 कितना हो जाएगा, वो होगा के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर अलोंग, क्या होगा इसके अलोंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इधर की तरफ इनवर्ड होता है, तो यहाँ भी होगा अलोंग OB, अलोंग OB, दोनों को अगर हम जोड़े तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, है ना। सो दोनों को हम जोड़ते हैं क्या होगा, ये दोनों को अगर कैलकुलेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड एट ओ ए नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब E1 क्या है जरा देखिए, E net is equal to, E1 हो गया KQA, QA भी उतना ही है, कितना है, 3 × 10⁻⁶ कूलम, और डिस्टेंस कितना है R square, that is 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, और ये भी अलोंग ओ बी है, भी अलोंग ओ बी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए इनको प्लस कर सकते हैं, और ये हो गया K3 × 10⁻⁶ अपॉन 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, दोनों ही फोर्स सेम है, डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, इसलिए दोनों को प्लस कर सकते हैं, और दोनों को प्लस करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या होगा, ये दोनों सेम चीजें हैं तो इसको 2 × K × 3 × 10⁻⁶ अपॉन 10 × 10⁻², दैट इज 10⁻¹ का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और ये हो गया 3 × 10⁻⁶, और ये 10⁻², पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं आगे कि 2 × 9 × 10⁻³ × 3 × 10⁻⁶ + 2 / अब इतना कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, 9 × 6 = 54, 10⁻⁹, ये 9 × 2 = 11, 11 − 6 = 5, 11 − 6 = 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन का पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी में क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर 1.5 इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज, यहाँ पे ये समझ ले कि टेस्ट चार्ज 1.5 इंटू नेगेटिव टेस्ट चार्ज है 10⁻⁹ कूलम का रख दिया जाए तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, और क्यू नॉट कितना है 1.5 मैग्नीट्यूड वाइज 10⁻⁹, और ये आया है हमारा कितना 5.4 × 10⁻⁶। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 4 = 60, 0 = 6 एंड 15 × 5 = 75 एंड 6 = 81, सो 810, दैट इज 8.1 × 10⁻³, ये आ जाएगा न्यूटन, ये टोटल फोर्स हो जाएगा जो वहां पे कोई चार्ज रखने पर एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सिस्टम हैज टू चार्जेज क्यू ए
2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and QB is minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Located at a point A and point B, these are two points lies on, because x coordinate, y coordinate 0, and it lies on z coordinate only. So z coordinate positive side and negative side respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? तो अगर हम एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम ले कोई भी, और थ्री डायमेंशनल सिस्टम के हिसाब से मान लीजिए ये ले ले हम, और इस तरह का ये कोई बनाए, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आप मान सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस कोई भी। तो आप जेड एक्सिस का एक साइड पॉजिटिव साइड और दूसरा निगेटिव साइड, चूंकि ये बना ऐसे है तो आप चाहें तो इसको कुछ अलग मान लीजिए और इसको अलग मान लीजिए ताकि सुविधाजनक हो। अगर इसी को मैं जेड मान लू, इसको एक्स मान लू, इसको वाई मान लू और इसको जेड मान लू, तो एक चार्ज यहाँ पर है कि ये जीरो जीरो और क्या है 15, ये कोऑर्डिनेट है, ये है जीरो जीरो और माइनस 15, एक पॉजिटिव साइड है तो एक जेड के निगेटिव साइड है जेड एक्सिस। अब ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 ये 15 ये, तो डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच का कितना 30, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 30, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का हो जाएगा कितना 30, तो ये 30 डिस्टेंस हो गया इनके बीच का, 30 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया, तो बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया। एक चार्ज यहां पर है क्यू ए जो है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम्ब है, और एक चार्ज यहाँ पे है QB जो कि है माइनस 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम्ब। तो पूछ रहे हैं अब इसमें कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम में। सो टोटल चार्ज इन द सिस्टम, इन द सिस्टम इज क्यू इज इक्वल टू, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, क्यू टोटल ए, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो उसको स्केलर तरीके से ही जोड़ा जा सकता है, तो चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन बी दोनों को जोड़ेंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा क्यू टोटल जीरो। तो एक पहला चीज तो आ गया कि टोटल चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वी हैव लर्न दिस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, डाइपोल मोमेंट, मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू वन ऑफ द चार्ज दैट इज क्यू ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ए एंड बी। अगर इस पॉइंट को मैं ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज ए बी। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, वन ऑफ द चार्ज क्या है 2.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर दैट इज 30 अपॉन 100 मीटर वी कैन से। सो दैट विल बी टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे एक जीरो और हटा दे तो ये 10 का पावर एक और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 25, 2.5 इंटू 3 7.5, और ये ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, ये होगा डाइपोल मोमेंट, न्यूटन कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, ये होगा डाइपोल मोमेंट की यूनिट। तो ये 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electric dipole with dipole moment is this coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude this 5 into 10 to the power 4 newton per coulomb calculate the magnitude of torque। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप समझ सकते हैं इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है जो एंगल है उसका वो है 30 डिग्री, इस तरह का ये है 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये एंगल है 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल की ये है इंक्लाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, राइट, और यहाँ पे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट
यानी इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है पी, पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब हमें निकालना है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये आप सब पढ़ चुके हैं। तो पी ई साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री और पी आपको पता है, ई पता है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी 4 × 10⁻¹⁹ इंटू ई 5 × 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री। सो थीटा इज 30 डिग्री, 5 × 4 = 20, 20 × 10⁻¹⁵ इंटू साइन 31/2। सो ये हो जाएगा 2 से 10 times कैंसिल हो गया, अब ये हो गया 10⁻¹⁴ न्यूटन मीटर, ये टॉर्क लगेगा। Calculate the magnitude of torque acting on dipole. So this will be the magnitude of torque which will act in between electric field on dipole when it is placed in uniform electric field of magnitude this 5 × 10⁴ newton meter. तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है और उस दिन फिर और कुछ क्वेश्चंस की बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।